दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की जिसे आज तक का सबसे बड़ा नीतिकार कहा जाता है, जिसकी नीतियां और जिसके कोर्स और पुस्तकें आज भी लोग मन लगाकर पढ़ते हैं। उनका नाम है आचार्य चाणक्य। आचार्य का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम चाणक्य था जो एक शिक्षक थे, इसी कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो इनका गोत्र था, कौटिल्य। वैसे इनके पिता का नाम विष्णु गुप्ता था। आचार्य चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, बाद में यहीं शिक्षक बनकर भी आए और इसके बाद इनकी रुचि राजनीति में हो गई। अध्यापक बनने के पश्चात आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र चले गए। वहां जाकर मगध साम्राज्य के नंदवंश के न्यायालय में विद्वान बने। एक दिन चाणक्य और राजा घनानंद के बीच लड़ाई हो गई और राजा ने चाणक्य की राज्यसभा में ही बेइज्जती कर दी। उसी समय चाणक्य ने अपनी चोटी खोली और ये प्रण लिया कि जब तक नंद साम्राज्य का अंत नहीं करूंगा तब तक ये चोटी नहीं बांधूंगा। अपने प्रतिशोध के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और केवल 19 साल की उम्र में ही सत्ता में उतार दिया और यहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई जो बाद में घनानंद वंश की हार का कारण बना। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और हर समय अपनी एक चाल के लिए कई बैकअप हमेशा तैयार रखता था, क्योंकि ये बहुत ही आगे तक की सोच कर पहले से ही रख लेता था। यही नहीं, दवा और खगोल विज्ञान का भी बहुत अधिक ज्ञान था। इन्हें समुद्री शस्त्र में महारत हासिल थी जिससे वे किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव को देखकर ही पहचान सकते थे कि वे क्या सोच रहा है। ये कभी भी महिलाओं पर भरोसा नहीं करते थे। वे कम नैतिक और चरित्र झूठ बोलने वाली होती थी, लेकिन ये बात सभी महिलाओं के लिए लागू नहीं होती थी। इनके अनुसार एक अच्छी महिला वो है जो पवित्र, घर के काम में निपुण है और अपने पति के लिए सच्ची और वफादार हो। आज भी इनके विचारों को और नीतियों को कई राजनेता भारत के संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य ने सिकंदर महान को हराने के लिए भारत के सभी राज्यों को एकजुट किया। इन्होंने लड़कियों की एक ऐसी सेना बनाई जिसका नाम इन्होंने विश्वकन्या रखा। इन लड़कियों को दुश्मन को मारने और चुम्बन के लिए भी तैयार किया, क्योंकि इनके चुम्बन में जहर होता था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जहर दिया ताकि उस पर कोई असर ना कर सके, मतलब खाने में जहर का कोई असर ना पड़े। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी रानी से खाना साझा किया तो वो जहर से मर गई, जो कि 9 महीने से गर्भवती थी। लेकिन चाणक्य ने उसका पेट काट कर बच्चे को बचा लिया और बाद में इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। जिंदगी के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त तपस्या में लीन हो गए और बिंदुसार को राजा बना दिया गया। चाणक्य अभी भी बिंदुसार के सलाहकार बने रहे, लेकिन चाणक्य और बिंदुसार के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए एक कसूटी साजिश रची गई जिसका मास्टरमाइंड था बिंदुसार का मंत्री सुबंधु। क्योंकि बिंदुसार ने चाणक्य को बहुत अधिक सम्मान दिया था, सुबंधु चाणक्य को पसंद नहीं करता था। इसी प्रकार से बिंदुसार को ये विश्वास दिला दिया गया कि चाणक्य ने ही तुम्हारी माँ को मारा था। फिर क्या था पूरा मामला, जाने बिना चाणक्य पर गुस्सा हो गए और चाणक्य अपना घर छोड़कर चले गए, खाना पीना छोड़ दिया। बिंदुसार को जब हकीकत का पता चला तो शर्मिंदा हुए, उनको मनाने के लिए गए लेकिन वो नहीं माने, वहीं भूखे प्यासे घूमते रहे और शरीर को छोड़ दिया। ऐसी फेक वीडियो आगे भी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें।